श्रम कार्ड के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित बाइक रैली को सीधी कलेक्टर के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। बताते चलें कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ई श्रम कार्ड के प्रति जागरूकता लाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से करीब सैकड़ों सीएससी संचालकों ने भाग लिया, जिसके सीधी जिले के नवागत कलेक्टर श्री शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली रवाना होने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएससी ई गवर्नेंस अधिकारी वीरेंद्र प्रजापति के द्वारा बताया गया कि यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू हुई है, जिसके अंतर्गत पूरे देश के लगभग 38 करोड़ असंगठित मजदूर का ई श्रम कार्ड बनाया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश के सभी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को एक डाटा बेस तैयार करना है, जिससे भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का सीधा फायदा उन्हें मिल सके। उनके द्वारा बताया गया कि यह कार्ड उन सभी लोगों को ये बनाया जाना है जो किसी प्रकार से टैक्स पे सरकारी कर्मचारी या पीएफ खाता धारक नहीं है। यह कार्ड जिले के सभी सीएससी सेंटर पर निःशुल्क बनाया जाएगा, जिसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसे बनवाने के लिए व्यक्ति को अपने साथ अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ लाना होगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश भर में असंगठित कामगार जो है उनके लिए एक यूनिक कार्ड बनाया जा रहा है, जिसको हम लोग श्रम कार्ड के नाम से जानते हैं, क्योंकि देश भर में वैलिड हो गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, भारत सरकार के पास अभी तक ऐसा कोई डेटा बेस नहीं है, गवर्नमेंट के पास एक नेशनल लेवल पे डेटा होगा कि किस सेक्टर में लोग जो है काम कर रहे हैं, जो कि असंगठित क्षेत्र होते हैं। गवर्नमेंट के पास एक गवर्नमेंट को उसमें नीति और कानून या उनके लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम बनाने में लाभदायक हो गया डेटा। और गवर्नमेंट को भी जो सोशल सर्विस स्कीम होती है, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके जो है तो लाभार्थियों को बेनिफिट या आर्थिक सहयोग दिया जाता है आपातकालीन स्थिति में, तो ये इस कार्ड के माध्यम से गवर्नमेंट को आसान है। डायरेक्ट उनके खाते में जो है तो कोई भी अगर आर्थिक सहयोग आपातकालीन स्थिति में गवर्नमेंट देना चाहती है तो डायरेक्ट इस कार्ड के माध्यम से। तो सीएससी के माध्यम से पहले भी कई सारी स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही थी, उसको क्रियान्वयन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा सकता है, जैसे आयुष्मान किसान मानता है मोबाइल नंबर मोबाइल
R9 भारत के लिए राजेश मिश्रा की रिपोर्ट सीधी।